हाय गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं अभी निकल गया हूँ यहाँ से, सेंट पेरी से मैं जा रहा हूँ वॉल्केनो हाउस। वॉल्केनो हाउस भी सेंट पेरी में ऊपर ही है। और ये मेरा होटल था, होटल लेना था नया। और अभी यहाँ से अब मैं चल पड़ा हूँ। और ये तो मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं है कि कितना अच्छा मौसम हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने खराब मौसम देखा ही नहीं। A few moments later. तो दोस्तों यहाँ पे हम मेडिकल शॉप से अगर कुछ लेते हैं तो हम इसमें कैश डालते हैं, इसमें से कोई भी चेंज होता है तो वापस आ जाता है। जैसे अभी इसमें 1 सेंट वापस आया, इसमें अभी 1 सेंट वापस आया। और दोस्तों अभी मैंने ले ली है, 79 सेंट्स की पड़ी है मुझे ये वाली बॉटल। यहाँ पे थोड़ा सा सस्ता था। अभी मैं जा रहा हूँ बस स्टैंड की तरफ, फिर वहाँ से मैं बस पकड़ूँगा वॉल्केनो हाउस के लिए, और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसा होता है ज्वालामुखी वॉल्केनो। और दोस्तों अभी मैं वॉक कर करके जा रहा हूँ अभी बस स्टैंड की तरफ। आ गया बस स्टैंड, ये सामने बस स्टेशन है और यहाँ पे धोबी घाट है दोस्तों। तो मैं आपको ये धोबी घाट दिखाता हूँ यहाँ का। यहाँ पे ऐसे लाइन से इनमें सब में कपड़े धुलते हैं। आइए दोस्तों अब मैं आपको बस स्टैंड लेके चलता हूँ और फिर यहाँ पे बस का वेट करते हैं, देखते हैं। ये रहा बस स्टेशन, बस लगी पड़ी है एक। अब मुझे पता नहीं है कहाँ की है, अभी अंदर जाके टिकट लेता हूँ, फिर उसके बाद देखता हूँ कितने बजे की बस है, फिर बस का वेट करेंगे। तो दोस्तों अभी मैं आ गया हूँ यहाँ पे बस स्टेशन, और यहाँ से मेरे पीछे से यहाँ से टिकट मिलेगी मुझे। और अभी मुझे पता नहीं है कि आप उसकी टाइमिंग है, कितने बजे आएगी। मैं तो उससे लूट के आ गया हूँ। A few moments later. तो दोस्तों बहुत ही अच्छे लोग हैं यार यहाँ के, मतलब मज़ा आ गया। मतलब एक्चुअली मेरे को इंग्लिश तो, मतलब इनको इंग्लिश आती नहीं, मुझे कुछ और लैंग्वेज आती नहीं, फ्रेंच वगैरह। तो फिर उन्होंने, मैंने उनको अपने मोबाइल पे वो लोकेशन दिखाई ऐसे करके कि मेरे को यहाँ जाना है वॉल्केनो हाउस। तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि 12 बजे की आपकी बस है और 2 यूरो की आपकी टिकट है। तो अभी 2 यूरो की मैंने टिकट ली है और 12 बजे अभी बस यहीं से मिलेगी मुझे सामने से। तो अभी वेट करते हैं तब तक और देखते हैं अभी क्या कर सकते हैं। आसपास 2 घंटे हैं तो मैं देखता हूँ अभी आसपास और क्या कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ खाने पीने चलते हैं, बट यहाँ पे एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि आसपास ना कोई भी शॉप वगैरह भी कोई खुली नहीं है, बिकॉज़ आज मे बी संडे है तो इसलिए नहीं खुली। और यहाँ पर भी दोस्तों ये सब जगह स्टेशन के बसेस के नाम रखे हुए हैं। जैसे ये वाला सेक्शन है S1, सेंट बेनॉइट जा रही है ये बस, ये S1 है। तो यहाँ पे S1 बस खड़ी है और मेरा है S2, तो मेरी बस यहाँ पे आएगी, S2 पे आएगी मेरी बस। और दोस्तों अभी 2 घंटे है मेरी बस आने को, 2 घंटे मतलब 1.5 घंटे तक। यहाँ पे पास में एक स्टेडियम है, तो अभी मैं एक स्टेडियम में जा रहा हूँ। तो अब मैं चल के आपको दिखाता हूँ स्टेडियम। दोस्तों आई विश कि वो मुझे अंदर जाने दे स्टेडियम के। आ गया हूँ मैं दोस्तों अभी स्टेडियम, और ये रहा सामने, मैं जल्दी से रोड क्रॉस कर लूँ। अभी ग्रीन सिग्नल हो रखा है, यहाँ पे हो गया रेड। ये रहा दोस्तों स्टेडियम। तो दोस्तों अभी मैं आ गया हूँ यहाँ पे स्टेडियम के अंदर से, वो मेरे पीछे गेट है और यहाँ पे पूरा पार्किंग एरिया है। ये शायद ऑफिस लिखा है कुछ, तो अभी देखता हूँ चल के क्या होता है अंदर और कैसे कैसे यहाँ पे सिस्टम है। तो देखता हूँ और अगर मुझे समझ आया तो आप लोगों को भी समझाता हूँ। One hour later. इतनी देर से भाई ना मैं इनको समझा पा रहा हूँ ना ये मुझे समझा पा रहे हैं। और अभी या मतलब ये ट्रांसलेटर लेके आ रहे हैं, तो ये ट्रांसलेट करके फिर मैं इनको बताऊंगा कि मैं क्या चाह रहा हूँ। बेसिकली मैंने इनसे पूछा कि मेरे को ये स्टेडियम देखना है, और मतलब मैं देखना चाहता हूँ कि यहाँ पे कैसे कैसे सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। तो इनको इतनी सी बात समझ नहीं है, मतलब मैं समझा नहीं पा रहा हूँ, इनको समझ में नहीं आ पा रहा है। तो अभी वो ट्रांसलेटर ला रहे हैं, तो अब मैं इनको बताता हूँ। A few moments later. तो दोस्तों अभी बड़े मुश्किल से इनको मैंने गूगल ट्रांसलेट पे समझा पाया है कि मैंने इनको लिख के बताया कि मतलब मैं ऐसे इंडिया से हूँ और मुझे यहाँ पे स्पोर्ट्स फैसिलिटी देखनी है कि यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह सब कैसा है। तो
तो बस अब उनको समझ में आई आधे घंटे बाद। और ये बॉक्सिंग हॉल है, ओके ओके स्क्वाश, तो ये स्क्वाश कोर्ट में ले आए मुझे दिखाने के लिए। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, ये दोस्तों यहाँ का फुटबॉल स्टेडियम है, और बहुत ही प्यारा है। यहाँ पे फुटबॉल बहुत ज़्यादा फेमस है शायद, क्योंकि इस वाले स्टेडियम में दो या तीन ही स्पोर्ट्स हैं, बट यहाँ पे स्पेक्टेटर सेटिंग बहुत ही ज़्यादा है। यहाँ पे उस साइड लोगों का रेजिडेंशियल एरिया है। तो अब चलिए दोस्तों वापस चलते हैं बस स्टैंड की तरफ, बस आने वाली है थोड़ी देर में। और दोस्तों अभी मैं स्टेडियम से आ गया हूँ इधर की तरफ, बस स्टैंड की तरफ जा रहा हूँ। और ये जो भी आप मेरे पीछे एरिया देख रहे हैं, यहाँ पे ना लोगों के अपार्टमेंट्स बने हुए हैं। जैसे हमारे यहाँ पे बिल्डिंग्स होती है ना, कि एक बिल्डिंग में मतलब काफ़ी सारे लोग अलग अलग फ्लैट्स लेके रहते हैं, तो वैसे ही वो सिस्टम यहाँ पर भी है। ये पूरा रेजिडेंशियल सोसाइटी है, और यहाँ पे पूरा पार्किंग वगैरह मतलब काफ़ी अच्छा इन्होंने अपना वो एक पूरा सिस्टमेटिकली सिस्टम बना रखा है सारा, बहुत ही अच्छे से। दोस्तों अभी मैं यहाँ पे आया हूँ, यहाँ पे एक्चुअली बहुत सारे कबूतर हैं, तो इन कबूतरों को मैं सोचा कि थोड़ा सा दाना डालता हूँ। और यहाँ के कबूतर की एक ये बात है कि ये ना हम लोगों से डरते नहीं हैं, ये हमारे एकदम पास आ जाते हैं। जैसे इंडिया में तो पास आते नहीं ना कोई कबूतर, तो ये लोग बेचारे बहुत पास आ जाते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे कलरफुल कबूतर हैं, कुछ बीमार भी लग रहे हैं इनमें से। मैं इनको दाना डालता हूँ थोड़ा सा, ये डाल दिया मैंने, सब आ गए यहाँ पे मेरे पास। मैंने इनको दिए हल्दीराम की खट्टा मीठा नमकीन। बट इनको पसंद नहीं आई, कोई खा नहीं रहा इनमें से, सब अपनी चोंच में ले रहे हैं फिर छोड़ दे रहे हैं। हल्दीराम वालों को बताना पड़ेगा कि थोड़ा अच्छी बनाओ नमकीन, कबूतर खा नहीं रहे यहाँ के। तो जी लगभग मुझे यहाँ पे बैठे बैठे आधा घंटा हो गया, और हमारे ड्राइवर साहब भी आ चुके हैं जो हमारे बस चला रहे हैं, अभी अंदर हैं तैयार कर रहे हैं। और इसके बाद बस मैं इनको भी यहाँ पे टिकट स्कैन करूँगा अपनी, और फिर हम बैठेंगे बस में और फिर आपको दिखाते हैं आगे के नज़ारे। और दोस्तों आज के इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। साथ ही में अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों, जय हिंद।